हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिप्रा और आज मैं फेशियल हेयर रिमूव करने के बारे में आपको शेयर कर रही हूँ। और हाँ, फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं आज ले रही हूँ हिप ऑफ का ये फेशियल वैक्स स्टिप्स। ये जो स्टिप्स है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, जो कि यहाँ पे एकदम अच्छे से मेंशन किया गया है। डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड एंड क्लिनिकली टेस्टेड है। आपको सैलून फिनिश स्मूथ देता है, जो कि एकदम से आपको फेस जो क्लीन कर देगा। साथ ही साथ आपका ग्रीप अच्छा देता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीप रहता है, जो कि जितना भी हेयर होता है एक ही झटका में आपको रिमूव भी कर देगा। और ये जो स्टिप्स है आपका अपर लिप्स एंड साइड के हेयर को रिमूव करने के लिए, आप पूरे फेस का भी रिमूव कर सकते हैं इसके हेल्प से, जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ, साथ ही साथ इससे आप आईब्रो भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को आईब्रो का वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इसमें टोटल 10 स्टिप्स है, जो कि 5 पीस में है, जिसको आप पुल अप करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10 स्टिप्स में। एंड यहाँ पे हर कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ, किस तरीके से आपको अप्लाई करना, किस तरीके से रिमूव करना, जो कि मैं आगे दिखाऊंगी। एंड यहाँ 4 स्टेप में आप इजीली फेशियल हेयर जो है आपका रिमूव हो जाएगा बहुत ही इजीली। इसका प्राइस है 99 रुपीज और इसको मैंने purple.com से परचेस किया है। और हाँ, इसमें टोटल 10 स्टिप है, साथ में 2 आपका ऑर्गन ऑयल का क्लींजिंग वाइप है, जो कि बाद में आपको रिमूव करना, क्लीन करना है फेस को। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं, जो कि इजीली जैसे कि एम्प्टी कार्डबोर्ड का बॉक्सेस वगैरह होता है ओपन करने के लिए, उसी तरीके से है। एंड इसको इसमें आप देख सकते हैं टोटल तो 2 पैकेट है वाइप्स का, जिसमें 2-2 करके वाइप्स है, टोटल 4 वाइप्स है। और ये है वैक्स स्टिप, तो जो कि आगे आप लोगों को दिखेगा। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हेयर को रिमूव कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं अपने चैनल पे मेकअप DIY प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करती हूँ, और आगे आप लोगों को क्या चीज का वीडियो देखना है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप फेस पे जो है ऑयल अप्लाई नहीं हुआ रहना चाहिए, जो कि ऑयली मॉइस्चराइजर भी अगर अप्लाई करेंगे ना तो ये आपका हेयर पर स्टिक नहीं करेगा, जिससे आप हेयर को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप स्किन को अच्छे से ड्राई रखें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। तो सबसे पहले अपर लिप्स को क्लीन करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा आप हेयर देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हेयर है, तो सबसे पहले अपर लिप्स को क्लीन कर लेते हैं। और हाँ, अपर लिप्स पे थोड़ा सा मैं पाउडर अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि जिनका ऑयली स्किन है ना, बहुत ही जल्द स्किन जो है ऑयली होने लगता है, इसी वजह से मैं पाउडर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को स्किन ऑयली है तो पाउडर अप्लाई करके रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टिप्स को लेना है एंड उसको हैंड से इस तरीके से आपको रब कर लेना है, के बाद इसको इस तरीके से इजिली रिमूव हो जाता है, जो इस तरीके से बहुत ही इजिली रिमूव हो जाता है, देख सकते हैं। और एक साइड में आप देख सकते हैं गम लगा हुआ है इस तरीका से, और एक साइड जो है इस तरीका से है, और जिधर गम लगा हुआ है वो आपका इस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको आप हेयर ग्रोथ का जिस डायरेक्शन है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना है। जैसे कि अपर लिप्स का जो भी हेयर होता है ना, हर किसी का नीचे इस डायरेक्शन में होता है, तो आपको इस तरीके से आपको रिमूव करना है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे एंड इसको अच्छे से इस तरीके से रब करेंगे, ताकि अच्छे से हेयर पे स्टिक हो जाए, इसी वजह से इसको अच्छे से रब कर लेना है। एंड उसके बाद आपको इस तरीके से पकड़ के आपके एक ही झटका में खींच कर निकाल देगा। हल्का सा पेन होगा, ज़्यादा पेन नहीं होता है। और उसके बाद इस तरीके से फिर से अप्लाई करेंगे, सेम स्टेप से ही मैं कर रही हूँ। और ये जो है काफ़ी अच्छे से हेयर को रिमूव कर दिया है। मेरा बहुत ही ज़्यादा पतला हेयर था, तो इसी वजह से उतना ज़्यादा जो है इसमें दिख नहीं रहा था। जो दिखाऊं आपको, बहुत ही लाइट कलर में हेयर है, बट बहुत ही ज्यादा निकला है। और हाँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लिपस्टिक भी साथ में आ चुका है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैंने लिपस्टिक रिमूव नहीं किए थे इसी वजह से। तो मैं एक साइड का पूरा स्केल से अच्छे से हेयर को रिमूव कर लेंगे। और हाँ, एक स्टिप से ना आपका एक हेयर का एक साइड का हेयर इजिली रिमूव हो जाता है, जो कि मैं एक ही स्टिप के हेल्प से मैं रिमूव कर रही हूँ। और हाँ, मेरी बेटी थोड़ा सा बोल रही है, उसके नॉइज आ रहा है, तो उसको एकदम से इग्नोर। और एक स्टिप से जो है मेरे एक साइड का पूरा हेयर अच्छे से रिमूव कर दिया है। और हाँ, मेरे फेस पे ज्यादा हेयर नहीं था, तो अच्छे से मेरे फेस को पूरा हेयर रिमूव कर दिया है। और बहुत ही ज्यादा पतला पतला हेयर था, तो इजिली रिमूव हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टिप के हेल्प से मैं इधर का भी हेयर रिमूव कर लेते हैं। एंड मेरा फिंगर जो है ना बहुत ज्यादा चिपचिपा हो गया है। एंड यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले मैं साइड का जो हेयर है उसको इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। एंड इसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए ना आपको इस तरीके से खींच लेना है नीचे के साइड, उसके बाद आपको रिमूव करना, वरना बहुत ज्यादा पेन होगा। सकते काफी अच्छा से हेयर को रिमूव किया, जो कि आप पता चल रहा होगा आप लोगों को। इसी तरीके से पूरा हेयर को अच्छे से रिमूव कर लेंगे। एंड थोड़ा सा हेयर यहाँ पे भी है, उसको भी रिमूव करेंगे।
वैक्स स्टिक कैसे घर पे कैसे आप बॉडी हेयर रिमूव कर सकते हैं, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो दे सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगी। मैंने अच्छे से हेयर को रिमूव कर लिए है, तो चलिए आप इसको वाइप से क्लीन कर लेते हैं। हाँ, मेरा फिंगर बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो गया, जिसकी वजह से मैं हेयर को भी सिक्योर नहीं कर पा रही अभी, तो जल्दी से मैं वाइप से क्लीन कर लेती हूँ एंड हेयर को जो है अच्छे से पीछे कर लेती हूँ, वरना देख सकते हैं आप इधर से चिपक चुका है। ये वाइप्स का पैकेज एंड इसको रिमूव कर लेते हैं। और हाँ, पैकेट में जो है टू वाइप्स है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको अभी निकालते हैं। तो यस, इसमें टू वाइप्स है, तो एक को मैं अंदर ही रख देते हैं क्योंकि अभी मुझे दो नहीं चाहिए, एक से ही काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल रहता है, इसी वजह से एक से ही हो जाएगा। एक वाइप्स के हेल्प से जो है पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर लिए हैं एंड ऑयल को मैं थोड़ी देर में अच्छे से रिमूव कर लूंगी फेस वॉश के हेल्प से, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।